अरविंद केजरीवाल नूं तीन जनवरी नूं पुछ पड़ताल दे लई तलब कीता सी। पिछले दो मौकियां वांग इस बार भी उन्हां ईडी दे नोटिस नूं गैर कानूनी करार दिता। शराब घोटाले च ईडी केजरीवाल तों पुछ पड़ताल करना चाहुंदी है। दस दईए कि कथित शराब घोटाले दे विच इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट दे तीन समणां नूं नज़रअंदाज करन वाले दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दीआं मुश्किलां हुण काफ़ी वध सकदियां ने। खुद आम आदमी पार्टी का दावा है कि हुण ईडी केजरीवाल दे घर छापा मार के उहनां नूं गिरफ्तार कर सकदी है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। अधी रात आम आदमी पार्टी के कई वड्डे नेतावां ने सोशल मीडिया से अजिहा दावा किया ते सनसनी मचा दित्ती। दिल्ली च सवेर तो ही काफ़ी सरगर्मी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पुछ पड़ताल के लिए तलब किया सी, पर पिछले दो मौकों वांग इस बार भी उन्होंने ईडी के इस नोटिस को गैर कानूनी करार दिया। उधर ही आम आदमी पार्टी का दोष है कि केंद्र सरकार केजरीवाल को लोकसभा चोणों में प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना चाहती है। इस नाल ही भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि केजरीवाल जांच तो डरते हैं ते सामने नहीं आ रहे, इसलिए वो ईडी सामने पेश नहीं हो रहे। दूजे पासे भारतीय गठजोड़ में शामिल आम आदमी पार्टी की भाईवाल कांग्रेस ने भी केजरीवाल को सलाह दी है कि वह कानून का सामना कर। उधर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी सामने पेश ना होने भाजपा के राष्ट्र प्रधान वरिंदर सचदेवा ने कहा कि शराब शरीर और आत्मा नष्ट कर देती है, पर इस शराब ने अरविंद केजरीवाल की आत्मा भी तबाह कर दिता है। आम आदमी पार्टी के नेतावान डर है कि लोकसभा चोणों तो पहला अरविंद केजरीवाल किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। सवाल यह है कि जेकर केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो कि वह मुख्यमंत्री के अहदे तो इस्तीफा दे देंगे। इसका जवाब हुण आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों के हवाले के नाल दिता है। पार्टी का दावा है कि दिल्ली में करीब 1 करोड़ लोगों तो सवाल किए गए और 98% ने जवाब दिता कि केजरीवाल जेल के रहिंदिआं भी सरकार चलानी चाहिए।